आप सबों का TRLSS क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो हुआ था संडे को 7 फरवरी को, उसके आंसर्स को विद डिटेल्स कैलकुलेशन के साथ अपलोड करने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको लास्ट तक आप आंसर्स को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सॉल्यूशंस भी विथ आंसर की। तो और बता दें कि आप इस और भी वीडियो जो भी बचा हुआ रहेगा क्वेश्चन के सॉल्यूशन को जल्द से अपलोड करेंगे, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिल सके। बता देते कि ऑल इंडिया जो सैनिक स्कूल एग्ज़ाम होता है क्लास 8th के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था 7 फरवरी को, जिसमें कि 3 घंटे का एग्ज़ाम था 180 मिनट्स, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैथ्स के ये क्वेश्चन आए हुए थे, हम देख सकते हैं ये क्वेश्चन था AP के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 4000, और सेकंड का आंसर हमारा 1 होगा, थर्ड का आंसर 15 होगा, फोर्थ का आंसर सेकंड 119 होगा, और एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग डायगोनल लेंथ का d² / 2 होगा ये आंसर। पेरीमीटर का आंसर 44 होगा, और इसमें एरिया निकालना है रोम्बस का, पेरीमीटर डायगोनल दिया हुआ 384 होगा। 8th का आंसर 6 पैसे होंगे। 9th का आंसर हम देख सकते हैं हाइट रेडियस दिया हुआ है, तो ये 8 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, ये फार्मूला ऑफ कौन पता है हम लोग को। तो उसके बाद 11th का आंसर 1/5 होगा, 12th का आंसर 4 होगा ऑप्शन 2, और इसका वैल्यू निकालना है तो इसका आंसर 29 होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन, एडिटिव इंटीजर्स। और यहाँ देखते हैं ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एल्टीट्यूड दिया हुआ है, तो हम लोग इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा √2 होगा, सेकंड आंसर। 17 होगा, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम सिलेंडर, तो ये 3:1 होगा। काफ़ी सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो 21 मीटर होगा, दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, प्रॉपर्टी लगा देंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो 3 होगा, 24 थर्ड ऑप्शन होगा। ये a+b+c दिया हुआ था, तो इसका कैलकुलेशन आप देख सकते हो, ये इसका आंसर -25 होगा। 21 का जो आंसर होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन है, ये 0 आंसर होगा। फैक्टराइजेशन करना था, इसका फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा। और 23 में व्हाट इज द ये मिनिमम पॉसिबल आउटकम्स थ्रोइंग 2 डाइस, ये 36 आंसर होगा। 24 का जो ऑप्शन होगा ये 3/4 होगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ देख सकते हैं डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 9 होगा, तो ये 9 लिख दिए। इन अ ट्रायंगल 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, देन मेजर ऑफ द थर्ड एंगल इज 90 डिग्री होगा। उसके बाद 28th का आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये सिंपल है, 120 डिग्री, 45 और 15 वाला ऑप्शन होगा। 29 में एक लाइन में कंजीक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री मतलब 182 ऑप्शन होगा, सेकेंड ऑप्शन। थर्ड में व्हाट डिस्टेंस पॉइंट डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम ओरिजिन, तो काफ़ी सिंपल है, 13 आंसर होगा डिस्टेंस फार्मूला से लगा कर। उसके बाद अब देख सकते हैं फ्रॉम द पाई चार्ट शेयर ऑफ द सेंट्रल एंगल फॉर फूड एंड फ्यूल रिस्पेक्टिवली, ये पाई चार्ट दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये आंसर होगा 219.6 और 18 डिग्री। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि L इज द परपेंडिकुलर लाइन, MN परपेंडिकुलर है और लाइन है, देन दर L एंड N के बीच का जो एंगल होगा वो दोनों ही परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, तो दूसरा ऑप्शन आंसर होगा। उसके बाद हमारा था कि व्हाट शुड बी एडेड माइनस, ये आंसर -58/21 होगा। उसके बाद क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:2, द टू नंबर्स आर 110 और 44 होगा। उसके बाद देख सकते हैं इफ एंगल ए एंड सी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, बताया एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, तो सेकंड ऑप्शन आंसर होगा। उसके बाद लेंथ ऑफ द डायगोनल दिया हुआ था इस तरीके से, तो हम लोग बताया राइट एंगल बाइसेक्टर होता है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो 16 8 6 मतलब 10 हमारा 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा।
उसके बाद मीन दिया था और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो इस तरीके से सबको सम करके 6 से डिवाइड करेंगे, एक्स का वैल्यू 23 सेकेंड आंसर हो जाएगा। उसके बाद 41 हम लोग देख सकते हैं, ये सम करना था 29/19। अब देखो मीन मीडियन में रिलेशनशिप है, मीन माइनस मोड 3 मीन माइनस मीडियन, तो इसमें हम लोग ये फॉर्मूला से एक्स का वैल्यू 6 आ जाएगा, स्क्वायर रूट निकालना था, ये आंसर हो जाएगा 43 का 3, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, परफेक्ट स्क्वायर, ये 4 आंसर हो जाएगा। फाइंड द वंस डिजिट ऑफ क्यूब रूट, तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारा इसका जो क्यूब रूट का जो आंसर होगा 19 होगा, तो यूनिट डिजिट में 9 आंसर है। स्मॉलेस्ट नंबर ये था क्वेश्चन, क्या इसको डिवाइड करें पर तो 6 आंसर होगा। ये क्वेश्चन 47 का आंसर 2 होगा, उसके बाद 49 का जो आंसर होगा 2500 होगा, और मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड इट्स क्लास मार्क। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, तो आप इसमें बता दें कि जो ये एग्ज़ाम होता है इसमें 5 सेक्शन होते हैं, एक तो पहला मैथ्स हो गया, दूसरा इंग्लिश हो गया, फिर SST हो गई, साइंस हो गया और जनरल इंटेलिजेंस, ये 5 सेक्शन होते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आगे और भी सॉल्यूशंस आपको जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपको आंसर मैच करने में काफ़ी आसानी हो सके। थैंक यू।